हेलो, आज मैं बताऊंगी चार अमेजिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं पहली रेसिपी, मकई का चीला। इसे बनाने के लिए आपको लेना है फ्रेश स्वीट कॉर्न। मैंने यहाँ पर फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले स्वीट कॉर्न को ग्राइंड कर लेंगे, इसे हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना है। फिर एक बड़े बाउल में ग्राइंड किया हुआ स्वीट कॉर्न डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें हाफ बाउल सूजी, एक बाउल बेसन और आधा बाउल बारीक कटा हुआ पालक। पालक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमने दोस्तों थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, देखिए इस तरीके से। बैटर अगर पतला हो जाएगा तो चीला टूट जाएगा और पकने में भी ज़्यादा समय लेगा। अब एक पैन में घी या ऑयल से ग्रीस करना है, फिर उसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न बैटर जो हमने तैयार किया हुआ है और चम्मच से धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसको गोल शेप देना है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बचे हुए स्वीट कॉर्न, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। अब चम्मच से इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे जिससे जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो चीले के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। अब चीले को 3-4 मिनट सेकने के बाद पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए वेजिटेबल्स का कितना अच्छा कलरफुल टेक्सचर आया है और तैयार है हमारा शानदार हेल्दी टेस्टी स्वीट कॉर्न चीला, जिसे आप हरी चटनी, सॉस या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगी दूसरी शानदार ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो है आपकी चपाती सैंडविच। अक्सर बच्चे दोस्तों खाना खाने में नखरे दिखाते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ चपाती सैंडविच। इसके लिए मैंने ली है एक चपाती, जिसके सेंटर में इस प्रकार से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसके 1/4 पार्ट में मैं लगाऊंगी मैस्ड मसाला आलू और 1/4 पार्ट पर लगाऊंगी सेजवान चटनी और टमाटो सॉस। अब इस पर रखेंगे अपना कोई मनपसंद सैलेड और हरे धनिया की चटनी और अब चाट मसाला, और इसके ऊपर ग्रेट करेंगे प्रोसेस्ड चीज़ इस तरीके से, ये देखिए। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए ये पहला फोल्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। अब सेम प्रोसेस से सैंडविच को तैयार कर लेंगे। अब तवे को घी से ग्रीस करके सारे सैंडविच सेक लेंगे, तो तैयार है हेल्दी टेस्टी चपाती सैंडविच। अब शुरू करते हैं तीसरी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ मूली बेसन का भरवा पराठा, जो इस स्टाइल से बिना फटे फूला फूला नरम और बेहद स्वादिष्ट बनेगा। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें लगाएंगे जीरे का तड़का और डालेंगे अजवाइन और इसमें डालेंगे 4 चम्मच बेसन और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बाउल ग्रेटेड मूली को निचोड़कर और उसको भी मिक्स कर देंगे। और मसालों में डालेंगे गरम मसाला, अमचूर मसाला और धनिया पाउडर, मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च और डालेंगे इसमें हरा धनिया और मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और 1 आटे की लोई को थोड़ा सा बेलकर उसमें 1 चम्मच स्टफिंग भरकर पराठा तैयार कर लेंगे हम। अब इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और अच्छे से इसमें घी ऑयल लगाकर इसको सेक लेंगे और तैयार है मूली बेसन का भरवा पराठा। अब शुरू करते हैं चौथी रेसिपी।
हेलो, आज हम बनाएंगे कुरकुरे क्रिस्पी साबुदाना पालक टिक्की। जिसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ पालक एक बाउल, 2 मैश उबले हुए आलू, 1 घंटा भीगा हुआ आधा बाउल साबुदाना, 2 चम्मच भुनी मूंगफली का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स और छोटी छोटी टिक्की तैयार कर लेंगे। एक पैन में ऑयल लेकर मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तैयार है क्रिस्पी कुरकुरी साबुदाना टिक्की। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये चारों रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।